जानते हैं कामरूप रहस्य का दूसरा भाग। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वे इस वीडियो का प्रथम भाग अवश्य देख लें, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब रात हुई, महिला उसे लेकर अपने कमरे में पहुंची, मंत्र वाले दाने फेंके तो वापस वो अपने शरीर में, पुरुष शरीर में आ गया। अब सिद्ध योगी को समय मिल गया कि आकर्षण प्रयोग कर सके। उसने अपनी पद्धति से मन को शांत करके आकर्षण प्रयोग उस स्त्री पर तुरंत किया। उस पर प्रभाव पड़ते ही उस स्त्री का स्वभाव उसके प्रति बहुत ही नरम हो गया था। तब सिद्धि योगी ने उससे कहा कि मैं यहां से निकलना चाहता हूं। उस स्त्री ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम यहां से भाग भी गए तो गांव की सीमा से आगे नहीं जा पाओगे। इन सभी क्षेत्रों में तंत्र द्वारा सुरक्षा घेरा बनाया गया है, इसे कोई पार कर ही नहीं पाता। यहाँ की सभी स्त्रियों के पास तंत्र की अद्भुत क्षमता है, उससे बचना नामुमकिन है। तब सिद्ध योगी ने पूछा, यहाँ पर जितने भी पक्षी हैं क्या ये सभी पुरुष हैं? तब उस स्त्री ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ, ये सभी पुरुष हैं, इनसे संबंध बनाकर ही हम लोगों पर कभी बुढ़ापा नहीं आता। उस दिन संबंध बनाने के बाद फिर से उस स्त्री ने अभिमंत्रित दाने फेंक कर उसे छोटा बना दिया और फिर से पिंजरे में बंद कर दिया। उसकी अगली रात को फिर जब वो पुरुष शरीर में आया, सिद्ध योगी ने आकर्षण प्रयोग किया और उसे कहा कि मैं किसी भी स्थिति में यहां पर रहना नहीं चाहता। तब उस स्त्री ने कहा, अगर मैं जाने भी दूं तो तुम फिर भी इस गांव से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, क्योंकि गांव को चारों तरफ तांत्रिक सुरक्षा घेरा बना हुआ है। हाँ, तुम्हें अगर मैं सिद्ध गमन सिद्धि की साधना सिखा दूं तो ऐसा संभव है। आपको बता दें कि शीघ्र गमन सिद्धि एक ऐसी सिद्धि मानी जाती है कि इसके द्वारा कम समय में ज्यादा दूरी तय की जाती है। उस स्त्री के इस ऑफर को, इस प्रस्ताव को सिद्ध योगी ने तुरंत मान लिया, हाँ कर दी और 3 दिन तक उस साधना का अभ्यास करता रहा। इसके अलावा भी कुछ और साधनाएं थीं जो उस स्त्री ने उसे सिखाई, जो जरूरत पर काम आने वाली थी। और 4th दिन रात के समय उस स्त्री ने उसे अपने गांव से, अपने घर से दूर भगा दिया। अंधेरे में गांव की सीमा में पहुंचा तो तांत्रिक सुरक्षा घेरा की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तब उसने उस स्त्री के बताए प्रयोग को आजमाया और गांव की सीमा रेखा से बाहर आ गया। बाहर आते ही आत्म शांति का एहसास हुआ, खतरा अभी भी टला हुआ नहीं था। तब उसने शीघ्र गमन सिद्धि को आजमाया, उसे ऐसे लगा कि जैसे वो हवा की रफ्तार से चल रहा है। कुछ ही समय में वो जंगल से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने अपने अनुभव अपने लोगों को बताए, तब जाके कामरूप के रहस्यों से पर्दा उठा। लेकिन आज भी, सैकड़ों वर्षों से आज भी वो जगह कहां पर है किसी को पता नहीं, लेकिन ऐसी जगह है ऐसा लोग मानते हैं। सिद्ध योगी भाग्यशाली था जो अपने प्राण को बचा सका। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये सिर्फ कहानी है या सचमुच कामरूप का कोई अस्तित्व भी है? क्या सचमुच वहां की स्त्रियां किसी को पशु पक्षियों में बदल देती थी, या फिर ये लोगों के द्वारा महज एक कहानी है? आप अपने राय अवश्य दें, क्योंकि हमारे भारत में आध्यात्मिक शक्तियां एक समय में बहुत ही उन्नति पर थी। तो क्या ये सचमुच कहानी है या सचमुच इस पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह है जहां पर इस तरह के लोग आज भी रहते हैं? आप अपना कमेंट अवश्य दें, आप अपनी राय अवश्य दें। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का
कामाख्या साधना यानी कामरूप साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 1.25 लाख से 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान किया जाएगा। इस साधना से शरीर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तेजी से नष्ट हो जाती है। अगर आप अपने जीवन में जलन, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा से परेशान हैं, तो अवश्य ही इस शिविर में भाग लेना चाहिए। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।